आपका सेल्फ स्टडी के चैनल में और आज हम अपनी इस वीडियो में नेक्स्ट 5 वोकैब देखने वाले हैं विद ट्रिक के साथ, क्या की हम यूज कर रहे हैं। जो पहला वर्ड है वो है पंडेमोनियम। इसकी प्रोनंसिएशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और आपको भी ये प्रोनंसिएशन लिखनी है अपनी नोटबुक में, और इसी प्रोनंसिएशन से हम याद करने वाले हैं इसकी की पंडेमोनियम। ओके, पंडेमोनियम का मतलब होता है शोर शराबा। याद कैसे करेंगे इसको? इसको याद करेंगे पंडे पंडे और मुनि, पंडे मुनि। ये पंडे मुनि जो है हम इससे याद करेंगे इसको। कैसे? ट्रिक इसको एग्जांपल के समझो। पंडे पांडे मुनि कर लो, यार पांडे मुनि कर लो। पंडे मुनि ओम का जाप, रुक गया क्या, ओम का जाप करते, ओम का जाप करते समय, ओम का जाप करते समय बहुत शोर शराबा करते हैं। ओके, इसे हमने याद कर लिया पंडेमोनियम। पंडेमोनियम का मतलब होता है शोर शराबा। हमने याद किया पंडेमोनी से। कैसे? एग्जांपल में पंडे मुनि ओम का जाप करते समय बहुत शोर शराबा करते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिफाइल। यहां पर प्रोनाउंसिएशन लिख रहा हूं, डिफाइल। ओके, याद, इसका मतलब होता है दूषित, और इसको हम याद करेंगे देश फाइल। देश फाइल, देश फाइल से हम याद करेंगे क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन देश फाइल से काफी मिलती जुलती है। ओके, डिफाइल मतलब होता है दूषित, याद कर रहे हैं हम इसको देश फाइल से। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देश की फाइलों को या देश फाइलों को दूषित कर रहा है। देश फाइलों को, यहाँ पे देश फाइलों को आना था, देश फाइलों को दूषित कर रहा है। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें आ गई, ट्रिक भी आ गया और मीनिंग भी आ गया। ओके, नेक्स्ट वर्ड जो है नोशंट। नो शंट, नो शंट, इसका मतलब होता है अपराधी, और इसको हम याद करने वाले हैं नो संत, नो संत। ओके, नो शंट मतलब अपराधी, निश्चय हमने इसको हमने याद किया नो संत। कैसे? ओके, नो संत, नो संत इकट्ठे होकर, नो संत इकट्ठे 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 होकर इकट्ठे होकर अपराधी को पकड़ लिया, अपराधी को पकड़ लिया। ओके, पकड़ लिया, नौ संत इकट्ठे होकर अपराधी को पकड़ लिया। तो यहां पर नौ संत और अपराधी दोनों ही चीजें आ गई। नेक्स्ट वर्ड है कैंडीड। कैंडीड काफी बढ़िया वर्ड है, ये बहुत यूज होता है। कैंडीड, कैंडीड इसका मतलब होता है निष्कपट, सच्चा। ओके, कैंडीड इसको हम याद करेंगे कैंडी से। इसको हमने याद किया कैंडी से। कैंडी का मतलब क्या होता है? टॉफी, टॉफी। ओके, अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बच्चों को कैंडी दे दो, बच्चों को कैंडी यानी कैंडी दे दो। अरे यार ये बार बार रुक गया। हाँ, कैंडी दे दो, बच्चों को कैंडी दे दो, ये काफी ज्यादा खराब होगी। बच्चों को कैंडी दे दो क्योंकि क्योंकि वो निष्कपट और सच्चे हैं। निष्कपट, निष्कपट और सच्चे सच्चे लगा लेना अपनी तरफ से। ओके, जो लास्ट वर्ड है इस वीडियो का वो है, काफी लंबा वर्ड मैंने लिया, नॉन शैलेंट। नॉन शैलेंट, नॉन शैलेंट। ओके, इसका मतलब होता है लापरवाह, बेपरवाह। ओके, नॉन शैलेंट को हम याद करने वाले हैं नाना का चालान। नाना का, ये नॉन नान ऐसे आ जाते हैं, नाना का शैलेंट यानी चालान ऐसे कुछ लगते हैं। नो नाना का चालान, नाना का चालान, नाना का। अब इसके एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। नाना का, नाना का, नाना का चालान कट गया, नाना का चालान कट गया क्योंकि वो लापरवाह है, लापरवाह है। ओके,
क्लियर यहाँ पे? तो पांचों वर्ड को हमने समझ लिया। एक बार फिर से इनकी जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। इसको हमने याद किया, इसका पहले जो वर्ड है पहला पंडेमोनियम, इसको हम इसका मतलब होता है शोर शराबा, और हमने इसको याद किया पंडे मुनि से। पंडे मुनि बहुत शोर शरा ओम का जाप करते समय बहुत शोर करते हैं, तो यहाँ पर इसको हमने इसे याद कर लिया। डिफाइल, डिफाइल का मतलब होता है दूषित करना, और हमने इसको याद किया देश फाइल से। देश फाइलों को दूषित कर रहा है, इसके हमने एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे समझा। अगला जो वर्ड है नोशंट, नोशंट का मतलब होता है अपराधी, और हमने इसको याद किया नो संत से। नो संत इकट्ठे होकर अपराधी को पकड़ लिया, नोशंट अपराधी। ओके, कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है निष्कपट, सच्चा, और इसको हमने कैंडिड को याद किया कैंडी से, यानी टॉफी से। बच्चों को कैंडी दे दो क्योंकि वो निष्कपट और सच्चे होते हैं। अगला जो लास्ट वर्ड हमने याद किया नॉनशैलेंट, नॉनशैलेंट का मतलब होता है लापरवाह, बेपरवाह, और हमने इसको याद किया नाना का चालान, नाना का चालान कट गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लापरवाह हैं या बेपरवाह हैं। आई होप सो आप लोगों को ये जो पांचों वर्ड है वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। ओके, तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।